जो लोग नौकरी के ऊपर रहते हैं और हमेशा आए दिन उनको मुसीबत रहती है और उनकी तरक्की नहीं हो पाती, सीनियर नहीं सुनते या उसके साथ में प्रॉब्लम हो जाती है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा उपाय करना ताकि ये जीवन के अंदर आगे बढ़ सके। तो यहाँ पापी ग्रहों को खुश करना है और गर्म ग्रह का इलाज करना है, क्योंकि नौकरी वाले ग्रह को हम छोड़ नहीं सकते और वो सूर्य है। तो ऐसे में घर की पहली रोटी आपको बना करके अलग निकालनी है, जो आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौए को डेली की डेली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 15 दिन की इकट्ठी कर ले उसके बाद में दे आए, ना। ये जो एक रोटी निकालनी है, आधी गाय को आज ही खिलानी है, आधी से आधी कुत्ते को खिलानी है, आधी से आधी कौए को घर के अंदर कोई भी खिला सकता है। एक तो ये रूटीन बना लीजिए और हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूँ बेशक आप कच्चा ही दें कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड़ और गेहूँ ये बंदरों को डालना ये शुरू करो। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और एक चांदी का छोटा टुकड़ा आप भी अपने पास रखो, नहीं तो एक चांदी की ठोस गोली जो चांदी के पिंजरे में मंडवा के जिसके अंदर की वो घूमती रहे अपने गले में लॉकेट की तरफ वो पहन लो, ठीक है जी। तीसरा, अब कमाई भी हो गई, नौकरी वाली भी हो गई जी, ठीक है, और घर में क्लेश वाला भी हो गया, बीमारी भी हो गई जी। अब हम बात करते हैं बच्चों की, कि घर के बच्चे सदा स्वस्थ रहे और आपके कहने अनुसार चले, लेकिन चुस्त चलाक स्मार्ट हो, शरारती हो, सीधा बच्चा नहीं चाहिए। जिसके पास भी सीधा बच्चा है उसका भविष्य खतरे में है, इस बात का ध्यान रख लेना। और जितना चुस्त चलाक चंट आपको दुखी करने वाला समझ लो भविष्य के अंदर कमा के खाएगा और आपको खिला भी देगा जी। तो इसीलिए चुस्त चलाक बच्चे के ऊपर या चंट बच्चे के लिए गुस्सा नहीं करना, प्यार से समझाओ, कभी कभार एक दो लगा दिया करो, बात अलग है, प्यार वाली जो बच्चे के लगाते हैं तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन उनको तंदुरुस्त रखना और सही सदमार्ग पे चले, उनकी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर आके बढ़ती जवानी के अंदर ना हर ग्रह बहुत तेजी से असर दे रहा होता है, तो वहाँ पर क्या बच्चों को काले और नीले रंग से थोड़ा बचा के रखो, ठीक है। और बच्चे को एक वक्त में मंदिर जाना है मंदिर जाए, गुरुद्वारे में जाना है गुरुद्वारे में जाए, मस्जिद में जाना मस्जिद में जाए, यानी कि जिस जिसको जो जो भगवान को पूछते हैं, चर्च में जाना चर्च में जाए जी। लेकिन दिन में एक बार अपने परमात्मा के आगे माथा टेकने की एक आदत डालना, और जब भी धर्म स्थान के अंदर जाना है तो कुछ भी मीठा फल फूल कुछ भी लेकर के जाए, ये उनको आदत डालना। इससे क्या, और केसर का तिलक उनके हर रोज नाभि जुबान माथे पर लगाओ, चाहे ग्रह कुछ भी, ये लगाने बहुत जरूरी है, और चांदी का चकोर टुकड़ा उनकी जेब में रखो, ठीक है। तो ये इससे बच्चे दुरुस्त होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन बहुत सारी दुनिया ऐसी भी है जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते, आज की डेट में IVF की भरमार लग गई है, समझिए ना, इंजेक्टों की। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे रीजन है लड़कियों का अपनी नसों को सुखा लेना और बच्चों का घी दूध मक्खन से परहेज करना, समझे, और बात सच भी है। वो जो रिसर्च कंपनी है जिन्होंने अपनी दवाइयां बेचनी है बेटा, वो इनको समझाती हैं, इनकी रिसर्च होती नहीं, ये आपको डायरेक्टली वैसे करने का, समझे। पहले कहते थे कि घी मक्खन खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आज की डॉक्टर आप खुद खाते हैं और साथ में रेकमेंड करते हैं कि भाई दिन में 2-3 बार घी के 2 चम्मच ले लिया करो या दाल सब्जी में लेना शुरू करो, और साफ ये रिजल्ट निकल के आया है कि गाय का घी हो, देसी घी हो, या भैंस का भी देसी घी हो, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं चलता जी, ठीक है, लेकिन इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखो, इसलिए घी दूध मक्खन से परहेज मत करो, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज जरूर करो, ये चीज। तो ये तो उनके लिए है, माँ बाप के लिए, जो कि जिनकी लड़कियों को जिनको सिस्ट हो जाती है पेट में, PCOD की दिक्कत हो जाती है, तो उनको भी घी मक्खन दूध ज़रूर चाहिए, और आदमी को भी चाहिए अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा। आप इस तरफ आए, और कुत्ता आपके घर पे बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं तो रोज़ कम से कम 10 मिनट पार्क में बैठिए जहाँ कुत्ते भी हों, उनको थोड़ा थोड़ा सा कुछ डालें ताकि उनकी एनर्जी आपको मिल सके। इस चीज़ से जवानी में और जवानी के कार्य जो मियाँ बीबी के सुख है इनके अंदर बहुत बड़ा इजाफा मिलता है, तो इसका ख्याल रखना।
ये तो उस जोड़े के लिए हो गया, लेकिन बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि जिनके यहाँ बच्चा ठहरता है गिर जाता है, ठहरता है गिर जाता है, कईयों के थोड़े दिनों के बाद बच्चा खराब हो जाता है या होकर के भी बच्चे को तकलीफ होती है। तो ऐसी अवस्था में ये दो तीन सिनेरियो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बच्चा ठहरता ही नहीं है समझना, तो ऐसी अवस्था के अंदर बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने घर से निकाले, जंग लगा लोहा बरसात में भीगी लकड़ी आपके घर पर नहीं होनी चाहिए। चांदी का एक ठोस हाथी ले, वो लेकर के उसे स्टील की कटोरी में रख के गंगा जल में डिप करें और अपने सोने वाले कमरे में रखें, और जो आपके घर की मेन एंट्री है बाहर का गेट उसका जितना बड़ा है उतने बड़े के ऊपर चांदी का पत्रा लगा दें, ठीक है, और 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित ये लेकर के बेटा इनको अपने सराहने रखकर सोए और सुबह मंदिर में दे, ये 27 दिन कर दे, और काले कुत्ते को थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके रोटी डालनी शुरू कर दो काले कुत्ते, तो इससे बच्चे आने की संभावना यह बनेगी। बाप और माँ अपने कानों में सोने की बाली जरूर डाल के रखें, बाप एक कान में माँ दोनों कानों में, यह जरूर। कईयों का दिन चढ़ने के बाद बच्चा गिर जाता है, उसके लिए उपाय क्या होना चाहिए? उसके लिए उपाय है, दो लाल रंग के कपड़े की लीर लीजिए, सूती कपड़ा लो, उसको फाड़ के उसकी एक कतर बना लो, वो जच्चा के यानी कि जिसने गर्भ धारण किया उसकी सीधी बाजू के ऊपर गांठ मार के उसके बाद लो, ये काम करना बहुत जरूरी। और दिन चढ़ने के बाद दो पीतल के बर्तन लीजिए, एक में दूध भर दीजिए, दूसरे में शहद भर दीजिए, और पीतल का ही ढक्कन लगा के ऊपर की तरफ में जिस कमरे में सोते हो उस ऊपर की तरफ में कहीं पर भी आप स्टैंड पे रख दीजिए, और जब तक कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर के हो ना जाए तब तक वो वहीं पड़े रहने चाहिए। दूध फटेगा, उसमें स्मेल आएगी, लेकिन बेटा वही स्मेल उस बच्चे के प्राण है, उससे उसको बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी जिससे बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो जैसे ही डिलीवरी हो घर का कोई भी एक मेंबर सबसे पहले उन दोनों लोटों को जिनके अंदर दूध और शहद रखा हुआ है, ढक्कन पीतल के रखे हुए हैं यानी कि दो ढक्कन और दो लोटे जी, ये उठा के फौरन जाके मंदिर में दे दें जैसे डिलीवरी होती है, और वो जो लाल लीर माँ ने बांध रखी थी वो उतार के बच्चे की बाजू में चढ़ा दे और खुद नहीं बांध दे, और 43 दिन के बाद बच्चे वाली लीर और अपनी ये दोनों ले जा करके जल प्रवाह कर दे, ठीक है, इस तरह से बहुत स्वस्थ रहेगा बच्चा। और अगर किसी के बच्चे होकर के खत्म हो जाते हैं, ये भी बहुत सारी दुनिया को प्रॉब्लम है, बार बार होती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर कुत्ता अपने घर पे पालो, अगर बच्चे को कोई खतरा आना होगा वो बच्चे कुत्ते के ऊपर आएगा, पर ये मत करना कि आप पाप कर रहे हो, वो कुत्ते का भी छुटकारा होगा इस जीवन मरण के चक्र से, उसको भी परमात्मा बहुत अच्छी जगह देगा, तो कुत्ता पालो। दूसरा, पिता अपने कान में सोना पहने, और बच्चा पैदा होने के बाद जब भी संभव हो सके आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लो, उसके कान के अंदर भी सोने की बाली जरूर डालनी है, ठीक है, और बच्चा जब पैदा हो कोशिश करो कि पहले सवा महीने तक उसको पीले रंग की चादर पे ही सुलाओगे, समझे, ये करना है। और चने की दाल, चावल और देसी खांड बच्चे के होने के दिन से लेकर के 43 दिन लगातार किसी गरीब को दान दे दो या मंदिर में चढ़ा दो, ये काम करके देखिए, इन समस्याओं में से सारी समस्याएं आपकी हट जाएंगी। और किसी का अगर प्रमोशन रुक रहा है, तरक्की नहीं हो रही, तरस रहा है, बड़ी देर से यहाँ लगा हुआ है, नहीं हो पा रहा, ऊपर जा पा रहा, तो 43 दिन लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला ये लेकर के डंडे सहित मंदिर की छत के ऊपर लगा दीजिए। देखिए ये जितने हिस्से बताए आपको, इन सब में से जिसके लिए भी आप उपाय करेंगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, और माता रानी खुशियाँ ही खुशियाँ बख्शेंगी।